देख रहे हो मतलब कितने सारे राइडर्स जा रहे हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है मतलब। चल चल मेरे भाई, क्या बात। ओ भाई ओ भाई, ओ हो भाई, यहाँ पे तो अच्छी खासी लाइन लगी हुई है राइडर्स की। ओ वाके, ओ हो, ओहो आर एस वाला भाई तो मान ही नहीं रहा भाई। सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। ये लगा है हमारी रेड डेविल में एग्जॉस्ट एक्रापोविक का विद डीबी किलर, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे ना डीबी किलर हमारा इंस्टॉल हुआ हुआ है। एक 10 नंबर की हल्की लेनी पड़ेगी, उससे ना हम यहाँ से नेट जो है उसको लूज कर सकते हैं और अपना डीबी किलर जो है आराम से रिमूव कर सकते हैं। पता ही है कि आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगी। तो गाइज ये रही अपनी रेड डेविल, तो देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। तो अभी ना मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, फिर हम निकलते हैं खूबसूरत सी राइड पर। देख पा रहे होंगे अभी ना ये कॉल स्टार्ट हुई है सुबह से, तो क्या बात है भाई, बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत प्यारी। तो थोड़ा ना इसको रेव करते हैं, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया आवाज़ सुन के। मेरा प्लान है कुछ सिदरा जाने का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया यार हमने सिदरा की ना राइड नहीं की है, और काफ़ी टाइम के बाद ना ऐसे एग्जॉस्ट के साथ वापस जा रहा हूँ अपने सुजुआ में से। मुझे पता है अभी आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड नहीं है, पर फिर भी ना मज़ा बहुत आ रहा है भाई चलाने का। क्रैकलिंग साउंड ही होती है ना भाई एग्जॉस्ट की, बहुत सही होती है भाई। तो गाइस सिदरा में ना कोई शॉप ढूंढेंगे जहाँ से हमें ना एलकी मिल जाए, तो इसका ना डीवी किलर निकाल के देखेंगे कि आवाज़ कितनी ज़्यादा आ रही है भाई। गाइस आज ना मैं आपको एक फुल रिव्यू देने वाला हूँ अपने एंटॉर्क BS6 का, जो कि मैंने 2020 में परचेज़ की थी। गाइस अभी ना 2 साल हो चुके हैं एंटॉर्क को मेरे पास, तो आज ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ कि आप लोगों को एंटॉर्क जो है वो परचेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बंदा ओ वाके यार, बंदा भगा रहा है भाई आगे। ओहो R15 वर्सेस RS होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं हाईवे में। ओहो करिश्मा वाला साइड से भाई। तो फिलहाल गाइस अभी हम पहुंचने वाले यहाँ सिदरा में, काफी टाइम के बाद ना सिदरा में आए भाई, थोड़े लीन छीन मारते हैं यहाँ पे, पुरानी यादें जो है ना गाइस ताजा करते। ओहो RS वाला भाई तो मान ही नहीं रहा भाई, RS और NS हो गया भाई यार हाईवे में, सच बता रहा हूँ मैं। सबसे आगे RS NS और देन अब मैं जा रहा हूँ भाई पीछे। सही है भाई, तो गाइस आगे आने वाला है लीन, ड्रॉप द गियर एंड डिसअपीयर वाला सीन है भाई, क्या बात है। बंदा फुल पावर यार आगे, ऐसे जो रैंडम बंदे मिलते हैं ना गाइस उनके साथ राइड करने का मजा आता है। तो चेक करो गाइस लीन, चल 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 मेरे भाई, क्या बात है। थोड़ी सी और रेस होती है ना तो हम RS को बीट कर देते लीन में भाई, और वो रहा गाइज अपना ऑरेंज बार वाला लीन, यहाँ पे हम क्या ही लीन करते थे भाई। क्या बात है गाइज, मजा आ गया। नाइस नाइस नाइस, तो गाइस आगे आने वाला स्टैंड पॉइंट। और मेरी जान ठीक ठाक कह रही है। गिर गया था ये। ओ वाके यार वाके, बंदे में है। ओहो रोल, ओहो हो भाई लोंडे ड्रिफ्ट मार रहे हैं यार सच में यार, ऑल्टो में मैं दिखाता हूँ यार ना भाई।
धुएं निकाल रहे भाई गाड़ियों में से। ओ वाकई। और साहिल भाई ठीक ठाक मुबारक है। ये रही मेरी और आपकी बीस्ट अपनी साथ। इसकी कुछ बातें ऐसी शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने दो साल में ना एक्सपीरियंस करी है, ठीक है। सब्सक्राइबर्स मुझे पूछते हैं कि हमें एंटॉर्क परचेज करनी चाहिए कि नहीं। देखो यार, आप सबको पता है कि मैंने इसमें एग्जॉस्ट भी डलवा रखा है एक्रा पोविक का, तो काफी सारे सब्सक्राइबर के ना क्वेश्चन वगैरह भी रहते हैं, एग्जॉस्ट डालना चाहिए स्कूटी में कि नहीं डालना चाहिए। देखो यार, ये देखो हायाबुसा, क्या बात है भाई। हायाबुसा हायाबुसा भाई, हायाबुसा का मुकाबला नहीं है। अपनी एंटॉर्क भी भाई हायाबुसा से कम नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो इसकी एक चीज़ जो है वो पसंद नहीं है, वो है इसका फ्रंट मडगार्ड ना पतला होता ना यहाँ से, और समझ रहे हो ना आप, क्योंकि टायर ना काफ़ी पतला दिया गया मडगार्ड के हिसाब से। ओ भाई ये देखो भाई, लड़के लोग मान ही नहीं रहे भाई, देख रहे हो मतलब कितने सारे राइडर्स जा रहे हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है मतलब। ओहो हो भाई, यहाँ पे तो अच्छी खासी लाइन लगी हुई है राइडर्स की। जो मुझे ये DRL है ना भाई, DRL इसकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो हाई बीम है ना गाइज, वो इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है। वाह भाई, सिद्रा में ना बहुत राइडर्स मिलते हैं, तुम आवाज़ सुनते रहना कितनी बाइक जाएंगी। ओ भाई साहब, मतलब दो साल मैंने इसको अच्छा खासा चलाया, मतलब अच्छा खासा इस पर ऑफ रोड भी करा, मुझे ऐसा वैसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई जिसकी वजह से मुझे लगे कि यार मुझे ना एंटॉर्क नहीं लेनी चाहिए थी। अभी अगर आप एक 125 cc में ना एग्जॉस्ट डालते हो ना, तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि एयर इनटेक जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा आता है फिर इंजन से। बट अगर आप इसमें DB किलर इंस्टॉल करोगे ना, तो एयर इनटेक काफ़ी कम आएगा, जिसकी वजह से ना आपकी जो गाड़ी है वो आपको माइलेज भी देगी, आपको लॉन्ग रूट करने आप आराम से कर सकते हो। मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आपको पता है हर गाड़ी में आती हैं। तो गाइस, अगर सिद्रा में आए और यहाँ पे ना कॉर्नरिंग और लीन नहीं करा, फिर सिद्रा के ना मज़े नहीं लिए भाई। डीबी किलर के साथ ना काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा यार परफॉर्मेंस पे। चेक करो गाइस, ओ भाई सारा मोमेंटम ही खराब हो गया भाई। तो गाइस चेक करते हैं यहाँ पे लीन, अभी ना फुल कॉन्फिडेंस वाला लीन मारेंगे यहाँ पे। क्या बात है यार, इतने टाइम के बाद मतलब इन, ओ भाई क्या बात है यार, एक तो मतलब सनसेट है ना, और ऊपर से ये लीन्स भाई, मुकाबला ही नहीं है मतलब व्यू का। क्या बात है 95। यहाँ पे क्या सीन हो गया भाई, पुलिस वाले खड़े हैं भाई यहाँ पे।